दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सेशन में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, देख रहे हैं कि हम ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए ट्रांजिस्टर हैज टू पीएन जंक्शंस। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर इज टू। नेक्स्ट है, द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डोप्ड लाइटली। तो दोस्तों, आपको पता है कि एनपीएन और पीएनपी दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे एनपीएन। तो इसमें ये दो डिप्लीशन लेयर और ये दो जंक्शंस भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं, द बेस टर्मिनल इज डॉप्ड लाइटली। नेक्स्ट है, द एलिमेंट दैट हैज बिगेस्ट साइज इन ए ट्रांजिस्टर इज कलेक्टर। इन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर कैरियज आर होल्स। नेक्स्ट है, द कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज डॉप्ड मॉडरेटली। नेक्स्ट है, ए ट्रांजिस्टर इज ए ऑपरेट डिवाइस, करंट ऑपरेट डिवाइस। नेक्स्ट है, इन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर आर माइनॉरिटी कैरियर होल्स। द इमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डॉप्ड हैवली डॉप्ड। नेक्स्ट है, इन ए ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट 5% ऑफ द इमीटर करंट। नेक्स्ट है, एट द बेस इमीटर जंक्शन द ट्रांजिस्टर वन फील्ड लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज लो। नेक्स्ट है, द मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी करियर फ्रॉम द इमीटर पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर रीजन। नेक्स्ट है, द करेंट आई वी इज इलेक्ट्रॉन करेंट। नेक्स्ट है, इन ए ट्रांजिस्टर फोर इमीटर करेंट बराबर कलेक्टर करेंट प्लस बेस करेंट। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज लेस देन वन। नेक्स्ट है, आई सी बराबर अल्फा आई सी प्लस थर्ड है आई सी वी, उसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज हाई। द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा इज राइट आंसर, इसमें थर्ड देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर ट्रांजिस्टर इज जनरली बिटवीन 220 एंड 500। मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट इज कॉमन इमीटर। द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अरेंजमेंट इज द हाइएस्ट कॉमन कलेक्टर। द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन द अरेंजमेंट ऑफ द हाइएस्ट थर्ड कॉमन बेस। द फेज डिफरेंस इनपुट आउटपुट वोल्टेज कॉमन बेस अरेंजमेंट इज 0 degree। नेक्स्ट, द पावर गेन इन ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अरेंजमेंट इज द हाइएस्ट कॉमन इमीटर। नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन द कॉमन इमीटर अरेंजमेंट इज 180। द वोल्टेज गेन इन द ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अरेंजमेंट इज द हाइएस्ट, राइट आंसर इसमें कॉमन इमीटर। नेक्स्ट, एज द टेम्परेचर ऑफ ए ट्रांजिस्टर गोज अप द बेस इमीटर रेजिस्टेंस, राइट आंसर डिक्रीज। द वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन ए कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट इज द लेस देन 1। नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस द इनपुट आउटपुट वोल्टेज ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट इज 0 degree। नेक्स्ट है, BC 147 ट्रांजिस्टर इंडिकेट दैट इट इज मेड ऑफ द सिलिकॉन। इसमें देख रहे आई सी ओ इज इक्वल टू 1+β आई सी बी ओ। नेक्स्ट है, ए ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस मोड इफ नॉट कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर मोड द सेम बायस वोल्टेज द वैल्यू ऑफ आई ई आई बी आई सी विल बी रिमेन द सेम। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा 0.9 देन द बीटा वैल्यू इज 90। नेक्स्ट, इफ ट्रांजिस्टर सिग्नल रेफर्ड फ्रॉम ए लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, द एरो इन द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द होल करंट इन द इमीटर। नेक्स्ट, द लीकेज करंट इन कॉमन इमीटर अरेंजमेंट इज दैट इन द सी बी अरेंजमेंट। इसका राइट आंसर मोर देन। ए हीट सिंक जनरली यूज विथ ए ट्रांजिस्टर टू प्रिवेंट एक्सेसिव टेम्परेचर रिसाइज। इसमें जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसे कंट्रोल करने के लिए हीट सिंक को लगाया जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज सिलिकॉन। नेक्स्ट, द कलेक्टर बेस जंक्शन इन ए ट्रांजिस्टर बायस रिवर्स बायस एट ऑल टाइम्स। नेक्स्ट, व्हेन ट्रांजिस्टर आर यूज इन द डिजिटल सर्किट देन यूजुअली ऑपरेट इन द सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। नेक्स्ट,
three different cue points are shown on DC load line. The upper cue point prevent the maximum current gain. Next, so a current ratio IC and IE is usually less than 1 and is called alpha. Next, with the positive probe on an NPN base, the ohmmeter rating between the other transistor terminal should be low resistance. Next, in a common emitter configuration, an emitter resistance is used for stabilization. Next, a voltage divider bias provides a stable cue point. Next, to operate properly, a transistor base meter junction must be forward bias with reverse bias applied to which junction collector base. Next, the end of a load line drawn on a family of curve determine right answer saturation and cutoff. Base configuration is used provide which type of gain voltage. Next, the Q point of a load line may be used to determine of the VV base voltage. Next, a transistor may be used switching device or as a variable resistor. The current ratio is IC upon IB. Next, the collector characteristic curve is a graph showing second right answer a collector current IC versus collector emitter voltage VC with VB base voltage held constant. Next, with low power transistor package, the base terminal is usually the middle. Next, when the silicon device is forward, VB for the CB configuration is 0.7 volt. Most of the electron in the base of NPN transistor flow into the collector. Next, in a transistor, collector current controlled by base current. Total emitter current is equal to base current plus collector current. Often a common collector will be the last stage before the load. The main function of this stage is to be buffer the voltage amplifier from low resistance load and provide impedance matching for maximum power transfer. Next, for a CC configuration to operate properly, the collector base junction should be reverse bias while forward bias should be applied to collector emitter junction. Pehla right answer. Next, the input output relationship of a common collector and common base amplifier is 0 degree. Next, if a transistor operates at the middle of the DC load line, a decrease in the current gain will move Q point down. Next, which is the highest gain provided in common emitter configuration? Subscribe karo dosto. Thank you dosto.